हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल इश्क क्राफ्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। ये हमारी फ्रंट में बेल्ट प्लाजो है, इसमें हम फ्रंट में इलास्टिक नहीं डालेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया है और चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो सबसे पहले इसको हम लंबाई में फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लंबाई में फोल्ड कर लेंगे और इसको फिर हम देखिए, जैसे कि ये हमारा बंद साइड है तो इसी तरह से मैं फोल्ड करूँगी और इसके बाद मैं एक बार चौड़ाई में इसको और फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको एक बार हम चौड़ाई में और फोल्ड करेंगे। इसको बिल्कुल हम एकदम बराबर कर लेंगे। इसको बराबर करते हुए ले आएंगे हम। तो बराबर होने के बाद हम अपनी कोई भी पैंट ले लेंगे एक, और पैंट को हम एकदम बराबर रखेंगे। तो देखिए, नीचे की साइड को हम 2 इंच यहाँ पर छोड़ देंगे फोल्ड करने के लिए। बिल्कुल बराबर लाइन क्रॉस कर लेंगे हम। तो 2 इंच यहाँ पर हम छोड़ते हुए ले आएंगे और 2 इंच से फिर हम यहाँ पर बिल्कुल बराबर रखेंगे पैंट को, और ऊपर की साइड को भी बराबर करते हुए ले आएंगे। तो देखिए, जैसे कि इसको हम बिल्कुल बराबर ही रखेंगे। तो ये हमारी एकदम बराबर हो गई है। तो अब हम इसके साइड से 1/2 इंच छोड़ते हुए, 1/2 से 1 इंच यहाँ पर छोड़ते हुए एक मार्क करेंगे, और इसी तरह से हम सेकंड साइड को भी मार्क करेंगे बिल्कुल बराबर 1/2 इंच छोड़ते हुए। और जो हमारी ऊपर की साइड इलास्टिक है उस पर हम बिल्कुल बराबर ही मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें बेल्ट और पीछे इलास्टिक के लिए अलग से वो लगानी है। तो यहाँ पर हमने ये देखिए, इसकी चौड़ाई नापी है तो 13.5 इंच है। और तो यहाँ पर हम बिल्कुल देखिए, तो 13.5 इंच है, हम यहाँ पर 14.5 इंच या तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद हम इसको बिल्कुल जो हमारा आसन का मार्क था उससे मिला देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये बिल्कुल मिला लिया है। अब इसी लाइन को हम कट कर लेंगे, हमें नीचे तक कट करनी है। तो हम बिल्कुल इसी लाइन पे कट करते हुए ले आएंगे। और हम इस लाइन को सीधे कट करते हुए ले आएंगे। ऊपर की साइड को मुझे बेल्ट अलग से लगानी है तो इसको बिल्कुल बराबर कट करेंगे हम। तो देखिए, जैसे कि मैंने ये पार्ट कट कर दिए हैं, तो कट करने के बाद अब मैं इनके आसन को ज्वाइन कर लूंगी। तो मैं इनके आसन को यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगी। तो देखिए, ऊपर ऊपर के हमने पार्ट को उठाया है और इनके आसन को ज्वाइन कर देंगे। और इसी तरह से हम उस पार्ट को भी ज्वाइन कर देंगे जो हमारा सेकेंड पार्ट है, ये इसको भी हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये आसन ज्वाइन कर दिया है, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर ही हमने पट्टी कट की है। ये हमारी 3 इंच की पट्टी है। यहाँ पर देखिए, हमारी 3 इंच की पट्टी है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। तो इस पट्टी को हम इस पर सीधी साइड से रखेंगे और इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, अब ये हमारा उल्टा साइड है तो इसी साइड को हम फोल्ड कर देंगे। इसको यहाँ पर इसको हम बिल्कुल फोल्ड कर देंगे बराबर। एक
एकदम बराबर बराबर फोल्ड करेंगी और इसमें हम इलास्टिक डाल देंगे। तो ये इलास्टिक की जो हमारी लेंथ है वो है 17 इंच। तो बैक पार्ट में हम इस इलास्टिक को डाल देंगे और बीच में सिलाई भी डाल देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो अब हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हमने पट्टी कट की है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो है 6 इंच। मैंने यहाँ पर ये 6 इंच की पट्टी को कट किया है। तो इसको हम डबल फोल्ड करके लगाएंगे। तो इस पट्टी को उल्टी साइड से लगाएंगे, सीधी साइड की ओर फोल्ड करेंगे। तो पहले इसको उल्टी साइड से हम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए इस पट्टी को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम सीधी साइड को इस पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सीधी साइड को इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए ले आएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो ऊपर की साइड को भी एक और सिलाई डाल सकती हैं और एक तो नीचे को लगाएंगे। तो ये हमारी फ्रंट की बेल्ट तैयार हो जाएगी। और अगर आगे से आपको लूजिंग लगती है तो आप इसमें प्लेट्स डाल लें। यहाँ पर एक एक या दो दो प्लेट्स भी आगे डाल लें तो इसका लुक और ही अच्छा आ जाएगा। तो अगर लूजिंग में लगती है तो आप डाल लें। तो अब हम इसको साइड से ज्वाइन कर देंगे। इसको ज्वाइन करते हुए ले आएंगे हम साइड से, दोनों साइड से ज्वाइन कर देंगे इसको। तो देखिए जिसकी मैंने ये साइड से ज्वाइन कर दिए, अब हम बीच की भी फिटिंग डाल देंगे इसमें। तो बीच की भी फिटिंग डाल देंगे और नीचे की साइड को जो मोरी है उसको भी फोल्ड कर देंगे। मोरी को भी जो हमने 2 इंच छोड़ा था आप इसको फोल्ड कर देंगे। तो फिटिंग डाल के इसको भी फोल्ड कर दिया है हमने। तो यहाँ पर ये पैंट हमारी तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं पैंट यहाँ पर ये पूरी तैयार हो गई है। इसको बनाना बहुत ही ईजी है, आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकती हैं। बाय फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।